dimensional formula. तो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कहां कहां करोगे? देखो, इसके लिए तुमको ना डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम निकालने आना चाहिए, और कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे फोर्स, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, पावर, ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम वर्बली याद होना चाहिए। और वो कब होगा? जब तुम लोग घर में प्रैक्टिस करोगे। ये पूरा 50 फॉर्मूले है ना, किसी बुक में 50 दिया है, किसी में 60 दिया है, किसी में 40 दिया है, सबका प्रैक्टिस करते जाओ वन बाई वन। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, फर्स्ट है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके, सेकेंड है टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अपने को चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन जो गिवन है वो करेक्ट है कि नहीं है। दैट कैन बी चेक बाय डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकेंड है डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर अपने को पता है कि विच फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन विच अदर फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, और लास्ट है to find the dimensional formula unknown physical quantity. यानी अगर अपने को किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता नहीं है, देन बाई यूजिंग डायमेंशनल मेथड वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। चलो, तो ये क्या होता है ऐसा समझ में नहीं आएगा, वन बाय वन इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट? अभी कौन कौन सा यूनिट पढ़े हो तुम लोग? एमकेएस, CGS, FPS and SI, यही था ना? तो बेसिकली हम लोग यहां पर यूज करेंगे MKS and CGS। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए ये तुम्हारा मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। वन मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ओके, और 10^2 सेंटीमीटर। वन किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम। यानी 10^3 ग्राम। ओके, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड। इतना तो पहले सबको पता होना चाहिए। ओके, तो हियर वी कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम। तो फॉर्मूला है इसके लिए N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, U2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। U1 एंड U2
आर डायमेंशनल फॉर्मूला इन फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, चलो देखो यहां पर सपोज ये डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 टू दी पावर a, l1 टू दी पावर b, t1 टू दी पावर c, एंड इन सेकेंड सिस्टम द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m2 टू दी पावर a, l2 टू दी पावर b, t टू दी पावर c। तो ये तुम्हारा हो जाएगा n1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, m1 टू दी पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c इक्वल टू n2, m2 टू दी पावर a, l2 पावर b, t टू दी पावर c। ओके, और क्या कर सकते हो, n2 इक्वल टू n1 इनटू m1 अपॉन m2 पावर में a, l1 अपॉन l2 पावर में b, t1 अपॉन t2 पावर में c। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम। नोट डाउन करो जल्दी से कॉपी में, इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे। फॉर्मूला अभी नोट डाउन करो, बाकी चीजें क्या है मैं बताता हूं अभी। नोट डाउन कर लिए, देखो तो अपने को आगे जहां भी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, वी विल यूज दिस फॉर्मूला एन टू इक्वल टू एन वन एम वन अपॉन एम टू पावर में ए, एल वन अपॉन एल टू पावर बी, टी वन अपॉन टी टू पावर सी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो इसमें जो गिवन है, यानी क्वेश्चन में जो भी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको न्यूमेरेटर में रखना है। गिवन जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा दैट विल बी पुट इन अबव साइड, एंड जिसमें कन्वर्ट करना है टू बी कन्वर्टेड That will be placed in denominator side। जैसे अगर MKS को CGS में convert करना है तो upper unit will be in meter kilogram second and lower unit will be in centimeter gram second। Centimeter to यानी CGS को MKS में convert करना है तो अपर साइड विल बी सी जी एस सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लोअर साइड विल बी एम के एस सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे क्वेश्चन है इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम यानी एम के एस सिस्टम ही है वो। SI सिस्टम इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। तो जहां भी SI सिस्टम आएगा मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड यूज करोगे। तो क्वेश्चन है इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। पता है ना SI सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, कन्वर्ट इट इनटू डाइम विच इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, डाइम। समझ में आया?
यानी कौन से सिस्टम को किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एसआई टू सीजीएल, यही है ना? एसआई यानी एमकेएस, याद रखना। तो किसमें कन्वर्ट करना है, एमकेएस टू किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएल। समझ में आया कि नहीं आया? यानी न्यूमरेटर में एमकेएस सिस्टम रहेगा और डिनोमिनेटर में सीजीएस सिस्टम रहेगा, क्योंकि अपने को एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर साइड एमकेएस रखना और डिनोमिनेटर में सीजीएस रखना। चलो, विच फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या बोला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच टू बी कन्वर्टेड, क्या था, फोर्स था, वर्क था, क्या था, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में बोला है, फोर्स बोला है ना, तो फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, पहले ये बताओ। ओके, इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, यानी एम टू दी पावर वन, एल टू दी पावर वन, टी टू दी पावर माइनस टू, लिख सकते हैं ना? यस। अब देखो, कंपेयर करो इसको, एम टू दी पावर ए है, एल टू दी पावर बी, टी टू दी पावर सी, हियर एम टू दी पावर वन, एल टू दी पावर वन, टी टू दी पावर माइनस टू। That means compare करोगे a का value 1, b equal to 1, c equal to minus 2, ये a b c होता है, ये भी a b c होता है, इसी को compare करके a b c का value पहले find कर लोगे। समझ में आया? Yes sir. Okay. अब ये a b c का value यहाँ put कर दो, n2 equal to n1, M1 upon M2 power में 1, L1 upon L2 power 2, नहीं सॉरी 1, T1 upon T2 power minus 2। क्या क्या है क्वेश्चन में, किस सिस्टम को कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है, MKS को किसमें, CGS। चलो इसको क्लीन कर दे रहा हूं मैं, तो इधर रखोगे एम के एस, इधर पुट करोगे सी जी एस। चलो एन टू इक्वल टू एन वन, वन है अपर साइड, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम फॉर मास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन एम के एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, ऊपर में एमकेएस रखना है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड, कैपिटल एम यहां मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन एमकेएस सिस्टम, मीटर। अरे मास को मीटर में कैसे मेजर करेंगे, किलोग्राम, किलोग्राम है ना। चलो नेक्स्ट देखो, लेंथ का यूनिट क्या है एमकेएस सिस्टम में, मीटर, चलो मीटर लिख दो। टाइम का यूनिट क्या है, टी के पावर माइनस टू था, माइनस टू लिखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड, चलो ठीक है सेकेंड हो गया। तो ये तुम्हारा एमकेएस वाला हो गया, लोअर साइड डिनोमिनेटर में तुमको पुट करना है सीजीएस। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस सिस्टम, ग्राम, ग्राम है। What is the unit of length? Centimeter. Centimeter, okay, very good. What is the unit of time? Second. Second. चलो ठीक है, इसका काम खत्म, इसको क्लीन कर दो। चलो तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो बिना सोचे समझे। अब देखो n1 n2 इसको भी कैंसिल करना है,
तो किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, जो भी इजी लगे। क्या है किलोग्राम को हम चलो ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम। नीचे भी ग्राम है, ग्राम ग्राम कैंसिल, पावर में 1 है, यहां भी पावर में 1। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नीचे भी सेंटीमीटर है, कैंसिल हो गया, इधर 1 के पावर -2 1 हो गया, यानी फाइनली आया n1000 × 100 होगा कि नहीं होगा? यानी ये हो गया n1 × 10⁵ होगा कि नहीं? फाइव जीरो है ना, 1000 × 105। किसको किसमें कन्वर्ट किए? न्यूटन को डाइम में, यानी ये तुम्हारा न्यूटन था वो डाइम था, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना? 10⁵ डाइम, ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, सबको क्लियर हो गया? हाउ यू कन्वर्ट एमडीएस टू सीजीएस, क्लियर है सबको? चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। तो सारे स्टेप क्लियर है ना? सबसे पहले क्या करोगे, ये फॉर्मूला लिख लोगे। इस फॉर्मूला में जो गिवन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर, यानी वो सिस्टम ऊपर जिसमें कन्वर्ट करना है उसको डिनोमिनेटर में, एबीसी का वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला से एनालिसिस करोगे। ओके चलो, तो जैसे क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम इज जूल, कन्वर्ट इट, इसको कन्वर्ट करना है इनटू अर्ग, दैट इज सीजीएस सिस्टम। क्या बोल रहा है कि एमकेएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है जूल, इसको कन्वर्ट करना है अर्ग में। अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम, यानी एमकेएस से अगेन सीजीएस में कन्वर्ट करना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? सबसे पहले बताओ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा? ML2T-2। ओके वेरी गुड। अब इसको कंपेयर कर दो ना, एबीसी का वैल्यू क्या होगा, इतना तो कर सकते हो। चलो बताओ, जैसे पहले कंपेयर किया था, ए की वैल्यू 1, यस ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, ओके गुड, सी का वैल्यू -2। बस करना क्या है इसमें, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -2। ठीक है, ऊपर एम के एस यानी मास की जगह किलोग्राम, इधर मीटर, इधर सेकेंड, इधर सेंटीग्राम, क्या है ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड रख के कैंसिल कर देना है, बन जाएगा कि नहीं? चलो बताओ कितना आएगा। एबीसी का वैल्यू निकाल लिए, तो n2 इक्वल टू n1
में तुम्हारा हो गया वन, लेंथ वाले पावर में टू, टाइम वाले पावर में माइनस टू, ऊपर एमकेएस सिस्टम रखना है, डिनोमिनेटर में सीजीएस सिस्टम रखना है। चलो बताओ क्या यहां पर क्या लिखे, ये वाला मास का यूनिट क्या क्या पुट किए हो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में? सर आंसर 10 टू दी पावर 7 है क्या? यस गुड, उतना ही आएगा। चलो बता दे रहा हूं मैं, ऊपर किलोग्राम, नीचे ग्राम, मीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड टेंसेस। अब इसको कन्वर्ट कर दो, वन ये एन वन, वन किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर में वन, वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर में टू, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा एन वन इंटू 1000 इंटू 10 to the power 4, 100 का स्क्वायर हुआ ना, फाइनली क्या आ रहा है 10 to the power 7 इंटू एन वन, आया कि नहीं आया? ओके, दैट मीन्स 1 joule इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, 1 joule इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं? चलो देखो, अब एक और क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी, जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ये जी का पहले मैं निकलवाया था डायमेंशनल फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर माइनस टू। न्यूटन मीटर किलोग्राम यानी ये कौन सा सिस्टम है, एसआई की सीजीएस? किलोग्राम आ रहा है ना, तो एमकेएस क्या की सीजीएस है? एमकेएस। तो ये एमकेएस है, तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ जी इन एमकेएस सिस्टम इज 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पता रहना चाहिए जी का, तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। कर सकते हैं कि नहीं? yes, चलो क्या होगा बताओ जल्दी, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, ये एल स्क्वायर, इधर एम वन एम कैंसिल, एम टू दी पावर माइनस वन, एल क्यू टी टू दी पावर माइनस टू, होगा कि नहीं होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? तो व्हाट इज द, अब देखो फॉर्मूला क्या है, एम टू इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू पावर में ए, एल वन अपॉन एल टू पावर बी, सी वन अपॉन सी टू पावर सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, डायमेंशनल फॉर्मूला से कंपेयर करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी? बताया था ना भाई, पावर पावर को कंपेयर कर लो, माइनस वन, ए का वैल्यू माइनस वन, बी इक्वल टू, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -2, और एन वन का वैल्यू ये हुआ, पहले
गिवन नहीं रहता था, अभी गिवन है। तो एन वन इक्वल टू 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो ये सारे वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, बताओ क्या आएगा आंसर। ये तुम्हारा हो जाएगा एन टू इक्वल टू 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11, पावर में तुम्हारा है माइनस 1, एल के पावर 3, टी के पावर माइनस 2, ऊपर एमकेएस नीचे सीजीएस, क्या आएगा बताओ। एम के जगह किलोग्राम, ग्राम, मीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड, सेकेंड वाला तो कैंसिल हो गया। क्या होगा बताओ जल्दी, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहां कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम इधर कैंसिल हो गया, तो 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू 10 टू दी पावर 3 पावर में माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर 2 पावर में 3, ऐसा होगा कि नहीं। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अभी 10 टू दी पावर 3 के पावर माइनस 1 है, यानी ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3। सिमिलरली ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6। तो फाइनली क्या हुआ, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 प्लस 6। कितना आएगा बताओ? 6.67 into 10 to the power minus 8. 6.67 into 10 to the power minus 8. क्या लिखोगे आगे? इसमें कन्वर्ट हो गया ये CGS में, तो CGS यूनिट ऐसा लिख देना है। पहले MKS यूनिट था, अभी कन्वर्ट हो गया, इट इज CGS यूनिट। ठीक है, कन्वर्ट कर लोगे अब आगे? चलो क्वेश्चन लिखो फॉर द होमवर्क। चलो देखो, इन सीजीएस सिस्टम यू फोर्स एज डाइन कन्वर्ट करना है। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, कन्वर्ट करो इसको किसमें, एम के एस यानी न्यूटन में। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्थ, कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। कौन सा सिस्टम है ये, एम के एस, जो हम लोग किए हैं उसका उल्टा करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ना? Yes, sir. चलो तो इसको सॉल्व करके भेजना।